सीडब्ल्यूजी में भारत को एक और गोल्ड, बैडमिंटन में लक्ष्य सेन को मिला है गोल्ड, पुरुष वर्ग में भारत को पहली बार मिला गोल्ड, भारत के खाते में 20वां गोल्ड मेडल। जौनपुर में पूर्व सांसद उमाकांत यादव को उम्र कैद की सजा, जीआरपी सिपाही हत्याकांड में कोर्ट ने सुनाई सजा। श्रीकांत त्यागी को कोर्ट से मिली सरेंडर अर्जी पर 10 अगस्त की तारीख, जल्द हो सकती है त्यागी की गिरफ्तारी। नोएडा में श्रीकांत के ठिकानों पर एक्शन, भंगेल में श्रीकांत के ठिकानों पर रेड की तैयारी। नोएडा में श्रीकांत त्यागी पर बुलडोजर एक्शन में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बड़ा बयान, किसी भी अपराधी को छोड़ा नहीं जाएगा, अपराधी के खिलाफ कार्रवाई तय है। गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी के 6 हंगामेबाज समर्थकों को 14 दिन की जेल, कल रात को ओमेक्स सोसाइटी में कड़ा था बवाल। लखनऊ में भी गालीबाज त्यागी का पहले भी हो चुका है विवाद, गोमती नगर थाने में पत्नी ने दर्ज कराई थी एफआईआर। श्रीकांत त्यागी को सुरक्षा देने वालों पर गिरेगी गाज, लखनऊ में सीएम दफ्तर ने मांगी है पूरी रिपोर्ट। गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी पर इनाम की घोषणा, श्रीकांत के बारे में जानकारी देने पर 25,000 का इनाम की घोषणा। ओमेक्स सोसाइटी में गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी के अवैध निर्माण पर कार्रवाई, त्यागी के अवैध आशियाने पर चला बुलडोजर। कॉमन एरिया में बने अवैध निर्माण को बुलडोजर से तोड़ा गया, गालीबाज नेता ने सोसाइटी के कॉमन एरिया में कर रखा था कब्जा। ओमेक्स सोसाइटी में नोएडा अथॉरिटी की मौजूदगी में हुई कार्रवाई, सोसाइटी के लोगों के सामने बुलडोजर से गिराई अवैध दीवार। श्रीकांत त्यागी के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई पर सोसाइटी के लोगों ने मनाया है जश्न, बुलडोजर आते देख लोगों ने ताली बजाकर स्वागत किया। बुलडोजर कार्रवाई को लोगों ने सही ठहराया, कहा कि जिस पार्टी की सरकार उसी पार्टी का नेता बन जाता था श्रीकांत। श्रीकांत के खिलाफ कार्रवाई से सोसाइटी के लोगों ने जताई है खुशी, सोसाइटी के लोगों ने आपस में बांटी है मिठाइयां। श्रीकांत के फ्लैट के पिछले हिस्से और तहखाने पर भी कार्रवाई की गई है, हथौड़े की मदद से पिछले वाले हिस्से को तोड़ा गया। बुलडोजर एक्शन पर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, कानून तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, यूपी में अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। श्रीकांत त्यागी के बहाने प्रियंका गांधी का बीजेपी पर हमला, ट्वीट करके लिखा बुलडोजर एक्शन दिखावटी है। प्रियंका गांधी ने पूछे सवाल, कहा कि इतने सालों से बीजेपी को अवैध निर्माण का पता नहीं था, किसके संरक्षण में श्रीकांत का गुंडा राज फला फूला। एक्शन पर सांसद महेश शर्मा का बयान, बाबा का बुलडोजर पक्षपात नहीं करता, महिलाओं के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं कर सकता। त्यागी पर हुए एक्शन पर बोले विधायक पंकज सिंह, कहा जो गलत है उसे कोई ताकत नहीं बचा सकती, जांच हुई अवैध निर्माण ध्वस्त। नोएडा पुलिस के वांटेड श्रीकांत त्यागी की उत्तराखंड में तेजी से तलाश, श्रीकांत ऋषिकेश में श्रीकांत की आखिरी लोकेशन ट्रेस की गई। सूत्रों के मुताबिक श्रीकांत त्यागी ने 10 से 11 बार फोन को स्विच ऑन और ऑफ किया, श्रीकांत की तलाश में 3 टीम्स गठित की गई। श्रीकांत का फोन सर्विलांस में लगाया गया, सर्विलांस में त्यागी के करीबियों समेत 50 से ज्यादा लोगों के फोन टैप। श्रीकांत त्यागी की तलाश में 40 पुलिसकर्मियों की टीम तलाश में जुटी है, तलाश के लिए सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस। आरोपी श्रीकांत त्यागी की तलाश में यूपी पुलिस ने उत्तराखंड पुलिस से किया है संपर्क, एसएसपी देहरादून दिलीप कुंवर से किया है संपर्क। आरोपी श्रीकांत के लोकेशन को लेकर किया था संपर्क देहरादून पुलिस को, यूपी पुलिस ने अभी नहीं दी है डिटेल में जानकारी। श्रीकांत के घर जब्त गाड़ियों में एक गाड़ी लखनऊ के पते पर है, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन अभिनव अरोड़ा के नाम पर है, गोमती नगर एक्सटेंशन में रहता है अभिनव। ओमेक्स सोसाइटी में बवाल के बाद जो है बड़ी कार्रवाई, नोएडा फेस 2 थाना प्रभारी सस्पेंड, परमहंस तिवारी को नया एसएचओ बनाया गया। मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि शाही मस्जिद मामले में सुनवाई, सिविल कोर्ट में वादी प्रतिवादी पक्ष ने रखी है दलीलें, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का बयान, वाद की कॉपी नहीं मिली।
आगरा में हर घर तिरंगा जागरूकता रैली को सीएम योगी ने दिखाई है झंडी। मेट्रो रेल परियोजना का भी निरीक्षण किया। लखनऊ के सिविल अस्पताल में कर्मचारियों की रात भर पार्टी। मामले में बड़ी कार्रवाई। वीडियो में दिख रहे 9 इंटर्न्स फार्मासिस्ट की ट्रेनिंग समाप्त। यूपी के मंत्री राकेश सचान ने कानपुर के एसीजेएम कोर्ट में किया है सरेंडर। लखनऊ में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा एक्शन। यूपी में 79 लाख फर्जी खातों को किया गया है बंद। फर्जी लाभार्थियों के खाते में भेजी जा रही थी रकम। लखनऊ में 2024 के चुनाव की तैयारियों में जुटी है बीजेपी। 7 मोर्चा के प्रदेश प्रशिक्षण वर्ग से बीजेपी ने कसी है कमर। हर मोर्चे से विपक्ष को घेरने की तैयारी में जुटी बीजेपी। हर घर तिरंगा अभियान पर एसपी विधायक जियाउर रहमान और सांसद शफीकुर रहमान के बयान पर एआईएमआईएम का पलटवार। समाज के बीच नफरत की खाई तैयार कर रहे बर्क परिवार के दोनों सदस्य। अयोध्या अवैध प्लॉटिंग मामले में नया बोर्ड। प्राधिकरण का लिस्ट जारी करने से इनकार। कहा कि गलत नाम डालकर लीक की गई लिस्ट। प्रयागराज में 4 बच्चों ने गुजारी है चाइल्ड लाइन बूथ की टेबल पर रात। बाल कल्याण समिति के अफसरों ने की बच्चों की अनदेखी। गाजियाबाद में सामने आया है सनसनीखेज हत्या का मामला। लिव इन रिलेशनशिप में रह रही महिला ने की प्रेमी की हत्या। उन्नाव में लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर बड़ा हादसा। श्रद्धालुओं से सवार ट्रॉली खड़े ट्रक ने जा घुसी। 18 लोग घायल। मेरठ में डबल मर्डर से इलाके में सनसनी फैली है। नानी और नातिन की निर्मम हत्या कर दी गई। दादा हथियार से काट कर की गई हत्या। लखनऊ सिविल अस्पताल में कर्मचारियों के पार्टी करने का वीडियो वायरल। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मामले पर संज्ञान लिया। समिति गठित कर मामले की जांच के आदेश दिए। फरुखाबाद के गांव संत क्वीन में वृक्षारोपण अभियान की उड़ी है धज्जियां। कागजों पर काम दिखाया गया पूरा। बाकी पौधों को ग्राम प्रधान और ग्राम विकास सचिव ने गड्ढे में दबाया। ललितपुर में एक विवादित जमीन पर मकान बनाने को लेकर 2 महिलाओं में जमकर मारपीट हुई है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। एटा के किदवई मोहल्ले में मामूली बात पर 2 लड़कों में जमकर मारपीट हुई है। लोगों ने बीच बचाव करके मामले को शांत कराया। उन्नाव के हसनगंज में लोगों का चलना हुआ है दूभर। गड्ढे हादसे को दे रहे हैं दावत। बागपत के लोमबर्ग गांव में एक घर में घुसा है युवक। गांव वालों ने जमकर की पिटाई। वीडियो वायरल। शामली में शुगर मिल पर राष्ट्रीय लोकदल के नेतृत्व में किसानों का धरना जारी। कई थानों की पुलिस फोर्स तैनात। चालों में गरीबों के हक पर डाका। चोरी से बाजार में बचने के लिए ले जाया जा रहा था सरकारी चावल। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा। लखनऊ में विदेशी कुत्ते पालने वालों के लिए जरूरी खबर। मास्टिफ रॉटविलर नस्ल के कुत्ते पालने पर लग सकता है बैन। लखनऊ में स्वाइन फ्लू की दस्तक। केजीएमयू के डॉक्टर में स्वाइन फ्लू की पुष्टि। डॉक्टर को केजीएमयू में किया गया भर्ती। लखनऊ में मिला मंकी पॉक्स का संदिग्ध मरीज। नर्सरी के एक छात्र में मंकी पॉक्स जैसे लक्षण पाए गए। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में आईएसआईएस के संदिग्ध आतंकी मोहसिन की पेशी। एनआईए ने 6 दिन की मांगी रिमांड। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के विदाई समारोह पर बोले पीएम मोदी, ये सदन के लिए बेहद भावुक पल। राज्यसभा में बोले पीएम मोदी, नई पीढ़ी के साथ वेंकैया नायडू का स्वभाव बना रहा। वेंकैया का अनुभव देश को मिलता रहा। पीएम मोदी ने कहा कि उनकी बातों में गहराई भी और गंभीरता भी होती थी। वेंकैया नायडू के वन लाइनर विन लाइनर हैं। कॉमनवेल्थ खेलों में भारत को एक और मिला है गोल्ड। पीवी सिंधु ने कनाडा की खिलाड़ी को हराकर जीता है गोल्ड। प्रधानमंत्री मोदी ने सिंधु को चैंपियंस की चैंपियन कहा। गृह मंत्री अमित शाह का ओडिशा का दौरा। अमित शाह ने भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर में पूजा अर्चना। गृह मंत्री अमित शाह का कटक का दौरा। तिरंगा यात्रा में शामिल हुए शाह। यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में जुटे लोग। पात्रा चौल घोटाले मामले में संजय राउत को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। कोर्ट ने संजय राउत को 22 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
बिहार में राजनीतिक सरगर्मी तेज। सूत्रों के मुताबिक बिहार सीएम नीतीश कुमार ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से बातचीत की। सूत्रों के मुताबिक बिहार की राजनीतिक हालात पर सोनिया और नीतीश कुमार के बीच फोन पर बात हुई है। सीएम नीतीश ने कांग्रेस अध्यक्ष से किया है संपर्क। आरजेडी ने आज शाम 6 बजे विधायक दल की बैठक बुलाई थी। आरजेडी ने अपने विधायकों को अगले 3 से 4 दिनों तक पटना में रहने का आदेश दिया था। जेडीयू ने विधायक और सांसदों को पटना बुलाया। आज विधायकों और सांसदों को पटना पहुंचने के निर्देश दिए। जाति जनगणना पर चर्चा को लेकर सभी को बुलाया गया। बीजेपी के साथ बदले राजनीतिक समीकरण पर भी फैसला संभव। कल कांग्रेस विधायक दल की हो सकती है बैठक। आज कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास आएंगे पटना। राजनीतिक गतिविधियों पर रखेंगे नजर। गैम्बलिंग एक्ट के मामले में फरार आरोपी को दिल्ली पुलिस ने 5 साल बाद पकड़ा। कोर्ट ने 5 साल पहले आरोपी को भगोड़ा घोषित किया था। सावन के आखिरी सोमवार पर भक्तों का उत्साह। शिव मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। मंदिर में पहुंचकर जलाभिषेक करते नजर आए लोग। सावन के आखिरी सोमवार पर उज्जैन में महाकाल की विशेष पूजा अर्चना हुई है। मंदिर में उड़ा है भक्तों का तांता। सावन के आखिरी सोमवार पर उज्जैन में महाकाल के दर पर पहुंचे कुमार विश्वास। महाकालेश्वर मंदिर में की है पूजा अर्चना। फरुखाबाद के पंडा बाग मंदिर में लगी है भक्तों की लंबी कतार। भक्तों ने भोले का जलाभिषेक किया। बागपत के ऐतिहासिक परशुरामेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों का तांता लगता हुआ दिखाई दिया। विधि विधान से भक्तों ने पूजा अर्चना की। अमरोहा के वासुदेव तीर्थ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। अधिकारी समय समय पर कर रहे मंदिर का निरीक्षण। अमरोहा के नेशनल हाईवे 9 पर कांवड़ियों का भव्य स्वागत। भोले के भक्तों पर की गई पुष्प वर्षा। महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में भारी बारिश के बाद सड़कों पर भरा पानी। जगबूदी नदी खतरे के निशान से ऊपर। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से एक्टिव हुआ मॉनसून। कई जिलों में झमाझम बारिश का दौर जारी। आम लोगों की परेशानी बढ़ी। छत्तीसगढ़ में आज भी भारी बारिश की चेतावनी। दक्षिण छत्तीसगढ़ के कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में मूसलाधार बारिश से बिगड़े हालात। तूफान पर नदी नाले। आईपीओ में निवेश का मौका। 28 कंपनियों को 45,000 करोड़ रुपए के निवेश पर रुपए के आईपीओ लाने के लिए सेबी की मंजूरी मिली। टाटा के पास आते ही अच्छी होने लगी एयर इंडिया की किस्मत। फिर उड़ान भरेंगे धूल फांक रहे 10 जंबू जेट। ताइवान से तनाव के बीच में चीन का मिलिट्री ड्रिल जारी। चीन के लड़ाकू विमानों ने दिखाई ताकत। कोरियाई प्रायद्वीप के पास येलो सी में चीन का युद्ध अभ्यास शुरू। ताइवान के आसपास ड्रैगन की अब तक की सबसे बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज जारी। उपचुनाव को लेकर पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान का ऐलान। पाकिस्तानी संसद की 9 सीटों से खुद ही लड़ेंगे चुनाव। बांग्लादेश के दौरे पर चीन के विदेश मंत्री। बांग्लादेश ने रोहिंग्या शरणार्थियों को म्यांमार वापस भेजने के लिए मांगी चीन से मदद। इसराइल और फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह के बीच मिस्र ने किया है संघर्ष विराम का आह्वान। गाजा में हिंसा रोकने पर बनी सहमति। आइसलैंड की राजधानी रेकजाविक में फिर से लावा उगल रहा है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी को देखने के लिए हजारों की संख्या में जुटे पर्यटक। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की रूस को चेतावनी। कहा कि कब्जे वाले इलाके छोड़े रूस, नहीं तो बातचीत का मौका खो देगा रूस। युद्ध विराम शुरू होने से ठीक पहले गाजा से इसराइल में दागे गए रॉकेट। इसराइल फिलिस्तीनियों में हिंसा रोकने को लेकर बनी थी सहमति। अमेरिका में मुस्लिम समुदाय को बनाया जा रहा निशाना। न्यू मेक्सिको में अब तक 4थे मुस्लिम युवक की हत्या। गवर्नर ने टारगेट किलिंग का जताया अंदेशा।
कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का शानदार प्रदर्शन, 55 हुई है मेडल्स की संख्या, पदक तालिका में चौथे पायदान पर टीम इंडिया। कॉमनवेल्थ गेम्स में महिला क्रिकेट टीम को मिला है सिल्वर मेडल, फाइनल में 9 रन से हारी है ऑस्ट्रेलिया को मिला सोना। 5वीं T20 में भारत ने वेस्ट इंडीज को 88 रन से हराया, टीम इंडिया ने 4-1 से जीती सीरीज। वेस्ट इंडीज के खिलाफ 5वें मैच में भारतीय स्पिनर्स ने रचा है इतिहास, T20 क्रिकेट के मैच में सभी 10 विकेट लेने का किया कमाल। एशिया कप 2022 के लिए BCCI आज करेगी टीम इंडिया का ऐलान, 28 अगस्त से शुरू हो रहा है एशिया कप। कार्तिक आर्यन का नया वीडियो आया सामने, वीडियो में कार्तिक अपने डॉगी पर ढेर सारा प्यार लुटाते हुए दिखाई दे रहे हैं। रितेश देशमुख ने विकी कौशल के साथ मस्ती भरा वीडियो शेयर किया है, वीडियो में दोनों जमकर मस्ती करते हुए नजर आए। रुबीना दिलैक का नया वर्कआउट का वीडियो आया सामने, वीडियो में फिट बॉडी के लिए रुबीना जिम में कड़ी मेहनत करती हुई नजर आई है।